बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास नाइन्थ का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और बहुत दफ़ा आता है, तो इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या डिफाइन, ठीक है, स्टेट। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है, रिजॉल्व करना फोर्स को, यानी कि इनको स्प्लिट अप करना, यानी कि द प्रोसेस द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेस इनटू देयर स्मॉलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, छोटे टुकड़ों में उसको स्प्लिट कर देने को हम फिनोमेना को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब ये फोर्सेस वेक्टर्स हैं, तो ये इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं डेफिनेशन को, कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अगर आ जाए तो वो यही डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट वेक्टर्स, दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दूसरी चीज़, अगर ये कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं विच आर फॉर्मिंग दैट फोर्स, देन वी कॉल दोज कंपोनेंट्स एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फिर हम उनको क्या कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन से कंपोनेंट्स जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, अब सपोज कंसीडर कर लेते हैं कि एक फोर्स है एफ विच इज़ एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, एक कोई फोर्स है जो इतने एंगल पर एग्जिस्ट करता है। अब इसके जो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिनसे ये बना है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इस टिप से इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन वाई एक्सिस। तो वी सी दैट कि ये ओ से यहाँ तक, इस पॉइंट को मैं बी मार्क कर देती हूँ, तो ये जो ओ बी है, this is actually the component of this vector f along x-axis, ठीक है, this OB is the, या अब चूँकि ये along x-axis है तो हम अब ये, और vector force है, it is a vector quantity, तो इसका जो component होंगे वो भी vectors होंगे, तो this OB, I'm talking about its magnitude जब मैं OB बोल रही हूँ, लेकिन I haven't shown about its direction, मुझे direction भी बतानी चाहिए यहाँ पर क्योंकि ये vector है, तो the vector OB will be having the direction like this because it is a component of force, so it is also a vector quantity, ठीक है, and it is along axis, it is acting along x axis, तो ये जो OB है इसको हम कहेंगे कि ये force F का x component है और ये हम इसको fx से denote करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास intercept on y axis आया है by drawing a perpendicular from this point on the y axis, we will call this as द परपेंडिकुलर। अब ये इसके पैरेलल लाइन नज़र आ रही है तो हम इसको बी ए भी बोल सकते हैं, तो जो बी ए है इट इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है, इसलिए वाई कंपोनेंट है। ठीक है, एंड इट शुड बी रिटन विद एरो ओवर इट। ठीक है, तो वी सी दैट के एफ जो फोर्स फॉर्म हो रहा है और ये एफ वाई जो वेक्टर आया है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और इस डायग्राम को देख के हमें पता लग रहा है कि ओ बी प्लस बी ए हम करें वेक्टर्स को तो हमें एक रिजल्टेंट मिल रहा है जो कि ओ ए के बराबर है, द पिक्चर इज़ टेलिंग अस दिस थिंग। ठीक है ना, और ये क्या है, ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए, इट इज़ द हेड टू टेल, इट इज़ द एडिशन ऑफ ओ बी विद बी ए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, और उसके मुताबिक ओ ए जो है वो रिजल्टेंट भी है क्योंकि ये देखें लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और ये ओ बी बी ए देखें हेड ऑफ ओ बी, हेड ऑफ ओ बी इज़ जॉइंट विद द टेल ऑफ द बी ए, ये हुआ हुआ है इस तरह से। ठीक है ना, तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमें ये एडिशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स मिली, जो के ऐड होने के बाद क्या बना रहे हैं, फोर्स बना रहे हैं, और इसीलिए हम इन एफ एक्स और एफ वाई को क्या कहेंगे, दे आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि डेफिनेशन में बताया है, इफ़ द कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देख रहे हैं कि ये आपस में 90 डिग्री में है, एंड विच फॉर्म द फोर्स, जो आपस में ऐड होके क्या बना रहे हैं, फोर्स बना रहे हैं, तो हम उन कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे कि दे आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। देर इज़ वन मोर नेम टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इट इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम ले लिया जाता है, बच्चे कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, तो ये परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया, अब ये एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू क्या है, अब ओ बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एफ, ये हमारे पास वेक्टोरियल नोटेशन में आ गया,
फोर्स का इन टर्म्स ऑफ इट्स वेक्टर कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, ये वेक्टर नोटेशन है फोर्स को लिखने का। अच्छा, अब यू सी एफ एक्स और एफ वाई कितने हैं। अब वी शुड नो कि एफ एक्स कितना होता है, एफ वाई कितना होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंट्रूड इन टू द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और अभी आई नो कि इस वक्त आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो मुझे ये थोड़ी सी बेसिक्स यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। वो ये कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि वी डील विद, टू स्टार्ट विद, शुरू करने के लिए कि हम किससे डील करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स से डील करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ ड्रॉ करूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल ये जैसे मैंने बना लिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक एंगल इनमें से, ये थीटा इज़ द नेम ऑफ द एंगल, जो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ये दो, ये भी थीटा ही है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है कि 90 डिग्री है। तो इसमें यू सी एक बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये अगर मैं इसको ए बी सी कहूँ तो ये हमें पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और थीटा जो आप चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, जो भी थीटा लेंगे उसके साथ लगी हुई साइड, साथ लगी हुई साइड एक ये है एक ये है, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड भी होती है हाइपोटेन्यूज, तो वो तो साफ नज़र आ जाती है कि ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन जो उसके साथ एडजेसेंट लगी हुई साइड दूसरी वाली है उसको हम हमेशा बेस बोलते हैं। और जो दूसरी लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर है उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा यहाँ होता, अगर ये ट्रायंगल ऐसा होता, यही ए बी सी इसी तरह ही होते और ये हाइपोटेन्यूज ही होता, लेकिन थीटा ये होता, तो बेस कौन सा होता, तो ये देखें हाइपोटेन्यूज से नज़र आ रहा है लेकिन थीटा के साथ लगी हुई साइड जो है ना वो कहलाती बेस और ये कहलाता परपेंडिकुलर। तो ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि थीटा के साथ वाली साइड जो है वो हमेशा बेस होगी, चाहे वो वर्टिकल फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है ना, ये बात आपने क्लियर रखनी है। अच्छा, जब ये हो जाए क्लियर, इसको हमने हाइपोटेन्यूज बोला और अकॉर्डिंग टू थीटा हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इनके मुताबिक मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ही आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती यहाँ पर, कि वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ दोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ दीज थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, दे आर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो कौन सी हैं, इट इज़ पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी डिवाइडेड बाय बी सी जो होगा वो हमें क्या देगा, साइन थीटा देगा। इसी तरह कॉस थीटा क्या होगा, इट इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होगा, इट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। आप कह रहे होंगे ये तो बड़ी मुश्किल है भाई, ये कैसे याद करें, अभी तो हमने मैथ्स भी नहीं पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ी, तो दे आर सो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, किसी में कुछ है, किसी में पी ऊपर है, किसी में नीचे है, किसी में एच है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा वो टंग ट्विस्टिंग पोएम है, वो ये है, इस तरह से देखें, सम, सम का एस, पीपल, पीपल का पी, यानी कि जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उनके फर्स्ट लेटर्स, सम पीपल हैव curly black hair, sorry, curly black hair through proper brushing। हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो सीक्वेंस में चलता जाएगा आपको। Some people have, यानी कि sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, curly black hair, यानी कि cos theta is equal to base over hypotenuse, through means T, through proper brushing P over B, तो we get the formula। इसको याद कर लें, सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing, ठीक है। अच्छा, अब इनको हमने वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ while फाइंडिंग आउट द एफ एक्स एंड एफ आई। अब यहाँ देखें, ये एफ एक्स ये है, अब मैंने आपको कहा कि थीटा ये है यहाँ पर, ये हमने सबसे शुरू में सपोज किया था कि सपोज देर इज़ अ फोर्स, वैक्टर फोर्स विच इज़ एट एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस। ये थीटा आपका 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 20.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा है। अब दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें एफ एक्स जो है वो क्या है, ये है, ठीक है, ओ बी। अब एफ एक्स जो है थीटा के साथ लगी हुई साइड है, व्हाट इज़ दिस साइड, दिस साइड इज़ द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट भी है और इन तीनों साइड में लॉन्गेस्ट भी है, तो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। तो
अब सिर्फ जो पता लगाना होता है वो बेस और परपेंडिकुलर। तो वी सी दैट कि ये बेस है थीटा के साथ लगी हुई साइड, दिस इज़ बेस। ये दूसरे कलर से मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसके मुताबिक एफ एक्स जो है हमें मालूम करना है, तो यू नो एफ एक्स हमें मालूम करना है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एफ एक्स कहाँ पर आएगा या बेस किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है? बेस बेस आ रहा है कॉस थीटा में और टेन थीटा में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा फंक्शन लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें ये बेस और हाइपोटेन्यूज हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, क्योंकि हमने सपोज किया था कि एफ इज़ अ फोर्स यानी 20 न्यूटन फोर्स 30 न्यूटन फोर्स, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दी हुई है। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो हमें बेस के साथ ज्वाइन होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, तो वो कौन सा बनता है? कॉस थीटा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ लिखें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के मुताबिक, तो क्या बनेगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज फ्रॉम अवर फार्मूला। तो बेस कितने के बराबर है? एफ एक्स। और हाइपोटेन्यूज कितने के बराबर है? एफ, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर ये इसको बीच में से गायब कर दूँ ये चीज़, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मुझे मिलेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। ये मुझे मिल गया f cos थीटा, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, fx इज इक्वल टू f cos थीटा, ठीक है। उसके बाद fy जो है वो क्या है? दिस इज दिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को यूज़ करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? इट इज़ sin थीटा। तो अब हम इसी तरह यहाँ लिख लेते हैं sin थीटा इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में sin थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, यानी कि p ओवर h, और p कितने के बराबर है? fy, और h कितने के बराबर है? एफ के। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आई गेट एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। तो आई गेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ एफ एज एफ एक्स एंड एफ वाई एज एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अभी आपको याद हो जाना चाहिए, याद कर रहे हैं, रिमेंबर इट कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये याद रखने के लिए आपको टिप दे दूँ कि एफ एक्स में का की प्रोनंसिएशन आ रही है एफ एक्स, तो एफ कॉस थीटा में भी का की प्रोनंसिएशन आ रही है, तो आप इसको एफ एक्स एफ कॉस थीटा बोलेंगे और एफ वाई के साथ एफ साइन थीटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, और इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे मैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना बताऊँगी, जिसमें हम अभी तो हमने पढ़ा कि हमें वेक्टर दिया हुआ है फोर्स, तो हम उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम कर रहे हैं। अगला जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि अगर आपको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो आप फोर्स कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। दैट इज़ अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, वो अगली वीडियो तक, अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और फिज़िक्स पेज चैनल का नाम याद रखिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फ़ायदा उठाएँ इसमें से, और अब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।